अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन और उसकी देवरानी जैनब फातिमा उर्फ रूबी की तलाश में देर रात प्रयागराज की कई जगहों पर छापेमारी की गई है और सुबह 5 बजे तक प्रयागराज की कई जगहों पर छापेमारी की गई। तो प्रयागराज आने की सूचना मिली थी तो अतीक अहमद की का जब एनकाउंटर हुआ उसके बाद से ही जैनब हो या फिर शाइस्ता परवीन हो दोनों की तलाश की जा रही है। साथ ही गुड्डू मुस्लिम भी अभी भी फरार है और लेकिन जानकारी मिली थी कि जैनब और शाइस्ता परवीन दोनों छुपे हुए हैं लेकिन जब पुलिस वहां पर पहुंची हालांकि पुलिस के हाथ कुछ बड़े सुराग नहीं लग पाए हैं, दोनों की गिरफ्तारी फिलहाल नहीं हुई है लेकिन कई जगह पर इससे पहले भी छापेमारी की गई थी ताकि दोनों को गिरफ्तार किया जा सके। तो चकिया कसारी मसारी और हटवा गांव से में भी छापेमारी की गई। ये वही इलाका है जो कि अतीक अहमद का एक वक्त में गढ़ कहा जाता था। पुलिस ने इन इलाकों में कई लग्जरी वाहनों की तलाशी भी ली है। इसके अलावा कई घरों में भी छापेमारी की गई और पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ भी की है। फिलहाल दोनों की तलाश जारी है। तो शाइस्ता परवीन और उसकी देवरानी जैनब शहर में आई हुई हैं, ये जानकारी पुलिस को मिली जिसके बाद से ही पुलिस प्रशासन काफी ज्यादा एक्टिव हो गया है और दोनों की तलाश तेज की जा रही है। तो प्रयागराज के कई इलाकों में पुलिस पहुंची, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, लोगों से पूछताछ की गई, कई लग्जरी गाड़ियों में भी तलाशी की गई। और ज्यादा जानकारी के साथ में सर्वेश जुड़ गए हैं फोन लाइन पर संवाददाता। सर्वेश, अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता और जैनब दोनों ही पुलिस प्रशासन के लिए एक चुनौती से कम नहीं है। पिछले लंबे समय से दोनों की तलाश की जा रही थी लेकिन बताइए फिलहाल अपडेट क्या है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल और दो सरकारी के अंदर शूटआउट फेस हुआ था और वहां के अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन उसमें आरोपी है और फरार चल रही है, उस पर 50,000 का इनाम घोषित है। इसके अलावा मौत घाट उतारे गए माफिया अतीक अहमद के साथ उसके भाई अरशद की पत्नी जैनब फातिमा भी आरोपी बनाई गई है इस मामले में, वो भी फरार है। तो पुलिस को ये इनपुट मिले थे कि दोनों जो है वो हटवा इलाके में आई हैं जिसके बाद हटवा और चकिया और करेली के इलाके में छापेमारी की गई है लेकिन दोनों का पता नहीं लगा। कई लग्जरी गाड़ियों की भी चेकिंग कराई गई है और इसके अलावा कुछ और स्थानों पर जो करीबी रिश्तेदार थे वहां पर भी दबिश दी गई लेकिन फिलहाल अभी दोनों महिलाओं का पता नहीं लगा है। पुलिस इस इनपुट के आधार पर लगातार जांच पड़ताल कर रही है, कुछ और टीमें भी अभी भी सक्रिय कर दी गई हैं। दरअसल एक साल से ज्यादा का वक्त हो गया जबकि दोनों महिलाएं फरार हैं। इसके साथ साथ माफिया अतीक अहमद और अशरफ की बहन आयशा नूरी वो भी वांटेड है, वो भी फरार है, उसका भी पता नहीं लगा है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि आज सीजेएम कोर्ट में अली की जो कि अतीक अहमद का दूसरे नंबर का बेटा है और ननी सेंट्रल जेल में बंद है उसको 3 मुकदमों में उसकी पेशी कराई जानी थी और इसी वजह से ये इनपुट मिला था कि शायद उससे मिलने कोर्ट में गुपचुप तरीके से शाइस्ता परवीन और उनकी देवरानी जैनब फातिमा आ सकती हैं जो कि अशरफ की पत्नी है और इसी इनपुट के आधार पर ये देर रात छापेमारी की गई। बिल्कुल, लेकिन अब गिरफ्तारी कब तक होगी ये अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। जानकारी साझा करने के लिए